नमस्कार ओडिशा राजनीतिर अनेक मोड़े आज भुवनेश्वर को विरोध पथर राजनीति गवर्नर असफ अल्ली साहेब ओडिशार लोक नथिले भारत बर्षर जने टाणुआ नेता थिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंकर से अत्यंत प्रिय थिले हेले किसी व्यक्तिगत कारण पाई असफ अल्ली तत्कालीन मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब को विरोध करुथिले आउ तांकर विरोधी भी होइथिले आउ एही क्रम रे से भुवनेश्वर को राजधानी रे परिणत करबा प्रक्रिया को मध्य विरोध कले खाली सेतिक नुहे बुली बुली महताब को योजना को पंड करबा लागि राजनैतिक समर्थन भी जोगाड़ करबा को लागिले जानिबा को चाहूचंती ए संपर्क रे सविशेष तथ्य देखंतु पूरा एपिसोड को पूर्व एपिसोड रे असफ अल्ली सह हरेकृष्ण महताब को मतांतरर कहानी कहिथिली विभिन्न अभियोग तथा राजभवन गवर्नर साहेब को परिवार सदस्य न होई राजभवन रे किछि महिलांक लगातार रहणी नै जो चर्चा चलिथिला से संपर्क रे मध्ये कहिथिली एपरि कि केही जने बंगीय अभिनेत्री रहिबा प्रसंग को नै बा केन्द्र करी राज्य सरकारक पक्षरु चीफ सेक्रेटरी राजभवन रेकर्ड जांच करबा पर्यंत कथा जाइथिला जांच परे गवर्नर साहेब आईन उल्लंघन करिसंती बोली मध्य दर्शा जायतिला ओडिशा प्रदेश सरकारंकर एही कांड सेतेबेले असफ अल्लींकु बेस बाधीथिला एहाकु महताबंक एक राजनैतिक षडयंत्र बोली मध्य विवेचना करा जाउथिला तेणे असफ अल्लींक कार्यकलाप जोगु राजभवन मर्यादा क्षुण्ण होईछि बोली जों चर्चा हला ताहा केवल कटक सहररे सीमित न रही बिजुळी बेगरे सारा राज्यरे व्यापिबाकु लागिला असफ अल्ली भी छाड़ा लोक नुहंती दीर्घ दिन राजनीतिक अभिज्ञता भारत जड़े टाणुआ नेता भावे भी बेस जनाशुना यही क्रम डॉक्टर हरेकृष्ण महताब विरुद्ध विषोद्गार करने आरंभ कले जहाँ सबू विरुद्ध घटना घटू तारी मूल महताब अच्छा से विचार कले एणु मंत्रिमंडल चर्चा कले आहले हरेकृष्ण महताब जड़े गणतांत्रिक मनोवृत्तिर लोक नुहंती से जड़े एकछत्रवादी जो माने महताब को विरोध करुथिले से माने उत्साहित हेले एपरिकी मंत्रिमंडल सदस्यों भितरु भी अनेक गवर्नर कथा को समर्थन कले कथा से रहिला नाही नुआ राजधानी निर्माण कार्य मध्य गवर्नर अंतराय सृष्टि करने को चाहिले ए कथा को आम कहूना बरं खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर हरेकृष्ण महताब तांक आत्मजीवन उल्लेख कर असफ अल्ली भुवनेश्वर रे नुआ राजधानी निर्माण को एक विलास और मनोमुखी कार्य बोली बोलूले से लिखिंट मंत्री मानू संपर्क से बुझाऊ यहाद्वारा पूर्वर भुवनेश्वर को राजधानी करने जो विरोध बा मतवाद पुणी मात्र तेजा को लगी पूर्वर कही भुवनेश्वर को राजधानी भाव गढ़ी तोलवा लगी अनेक विरोध करुले मूलत कटकवासी यह चाहून किंतु स्थान अभाव हेतु बाध्य होइतिले प्रस्ताव को ग्रहण करने लगी अपरपक्ष स्वतंत्र राज्य होगा पूर्व 1933 मसीह जितेबले राजधानी कथा चिंता करा जाइतिला बा राजधानी निर्माण कथा चिंता करा जाइतिला सेतेबले ओडिशार प्रशासनिक कमिटी परिस्थितिर समीक्षा करथिले कमिटी कटक थारे राजधानी करबा लागि जुक्ति देथिले किंतु राज्य गठन होगा पर धीरे धीरे कटक संकुचित होगा लगला दिनक दिन जो आवश्यकता बढ़ुला ताकू पूरण कर पार नथिला कटक सहर आउ कटक सहर सीमित जगह एही क्रम रे भारत सरकार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट परिस्थिति को आउथरे समीक्षा करिवा पाई इंजीनियर एपी जोन्स को नेतृत्व में एक टीम ओडिशा को पठागला 1936 मसीह कमिटी रिपोर्ट देले जे विकल्प राजधानी आवश्यक बा विकल्प राजधानी पाई स्थान निरूपण पाई से माने जुक्ति बढ़िले एहा बाद से कहिथिले जे रंगेलुंडा ओडिशार राजधानी पाई सर्वोत्कृष्ट जागा एहा सुनी ब्रह्मपुर बासी सेतेबेले बेस उत्साहित होइथिले तापरे परे प्रति अंचलर नेता तांको निकटवर्ती सहर को राजधानी भाव गढ़ी तोलिबाकु दाबी करि आसुथिले किंतु निजर बलिष्ठ जुक्ति द्वारा हरेकृष्ण महताब चौद्वार रंगेलुंडा प्रभृति दाबी को
प्रशमित करिवारे सक्षम होइतिले किंतु गवर्नर असफ अली साहेब एहाकु एक सुजोग बोली भाबी विभिन्न अंचलर नेतांकु उस्काइबा आरंभ कले एपरिकि हरेकृष्ण महातमक विरुद्ध रे विभिन्न राजनैतिक परिवर्ष मध्य सृष्टि कले। विरोधी माने प्रत्यक्ष और परोक्ष भाबे केन्द्रीय नेतांक दृष्टि आकर्षण कले बाबदरे परिस्थिति एमिति हला जे राजधानी निर्माण पई आवश्यक अर्थ मिलिबो कि नाही से नेकि मध्य प्रश्नवाची सृष्टि हला। नुआकरी निज हाथ को शासन ने सरकार लगी एक नुआ सहर निर्माण सहज कथा नथिला पुणी एथिलागी अर्थ सहायता मिलिबो नाही बोली मध्य केन्द्र स्पष्ट जणाई सारथिला। हेले याकु प्रशमित करबा लागि महताब भारत सरकारक पब्लिक वर्क्स कमिटी रो आउ एक रिपोर्ट को उपस्थापन करथिले। विश्वयुद्ध परवर्ती समय रे निर्माण कार्य को त्वरित करबा लागि जेतेबेले समीक्षा हला सेतेबेले सेही पब्लिक वर्क्स कमिटी भुवनेश्वर ठारे राजधानी निर्माण लागि रिपोर्ट देथिले। यार कारण थिला उत्तम परिवेश भौगोलिक दिग एवं संप्रसारण लागि पर्याप्त जागा केन्द्रीय नेता लियाकत अलीक सहायता से नेले महताब ओ प्रथम राज्य भाव राजधानी निर्माण लागि अनुदान पाइला भुवनेश्वर बा ओडिशा। उन्नीस 1948 मसीहा एप्रिल 13 तारीख दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यार शुभ देले ओडिशा विधानसभा परिसर रे सही पलक आज जाए शोभा पाउछि। यार किछि दिन परे भुवनेश्वर को विधानसभा स्थानांतर हला। 19 अगस्त 1949 मसीहा ठारु विधिबद्ध भाबे ओडिशा राजधानी होई भुवनेश्वर रहिछि। ता परठु अनेक विकास कथा कहि चलछि ए सहर। प्रथमे 4टी यूनिट को आख्यागर रखि राजधानी निर्माण हेतिला। तपति ऑटो कनिक्स बर्गर यार योजना करथिले। निर्माण बळे उच्च अटलिक को ध्यान को निया जाय नथिला। यहा सामाजिक प्रतिबंधक सृष्टि करिवो बोली आशंका करा जाउथिला। परवर्ती समय रे जेतेबेले लोकंकर आग्रह ओ बसती बढ़िला सेतेबेले योजना को संप्रसारण करिवा पई सरकार स्थपति जुलियस जार्ज को सहायता नेले आउ से पूर्व योजना को सम्मान जणाई बा सम्मान देई राजधानी को संप्रसारण करिवा लागि यूनिट संख्या को वृद्धि कर देले। आज राजधानी भुवनेश्वर अनेक संप्रसारित होईची खाली राजनीतिक प्राणकेन्द्र नुहे यही सहर अनेक लोक नुआ जीवन देवास ओडिशा को दे पारी एक स्वतंत्र परिचय। आज ये आर थर को सढ़ईकला और खरसुआ कथा कहबी केमी ओडिया कहुवा यह अंचल ओडिशा ठू अलग होगला आत नेतृत्व बाध्य सहिबाकू ताहा जणेबी। देखुथंतु नंदीगोष टीवी रो एही स्वतंत्र उपस्थापना। नमस्कार।